चलो दोस्तों, तैयार हो जाओ। हम भारत के गौरवशाली इतिहास की एक जादुई यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी जमीन की कल्पना करो जहां बुद्धि और सुंदरता साथ साथ फलती फूलती थी। जी हाँ, प्राचीन भारत नवाचार, कला और संस्कृति का केंद्र था। क्या आपको पता है कि शून्य की अवधारणा यहीं से शुरू हुई थी? बिल्कुल सही। भारत ने दुनिया को पहला विश्वविद्यालय नालंदा भी दिया, जहां दुनिया भर से छात्र ज्ञान अर्जित करने आते थे। और वो भव्य मंदिर, वो सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, बल्कि वास्तुकला और कहानी कहने की उत्कृष्ट कृतियां हैं। महाभारत और रामायण जैसे महान महाकाव्यों ने वीरता और भक्ति की कहानियों से पीढ़ियों को प्रेरित किया है। और उन अमीर मसालों को कैसे भूल सकते हैं जो सिल्क रोड से होते हुए दुनिया भर के रसोई घरों और दिलों तक पहुंचे। प्राचीन भारत सिर्फ एक सभ्यता नहीं थी, ये ज्ञान, कला और आध्यात्मिकता का प्रकाश स्तंभ था। तो अगली बार जब भी आप प्राचीन कल्चरों के बारे में सोचें, तो याद रखें, प्राचीन भारत की रोशनी आज भी जगमगा रही है।